दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। और कुछ छोटी मोटी बीमारियां बताता हूं, जैसे एड़ी का दर्द। हमारे घर में बहुत सारी माताओं बहनों को आजकल एड़ी का दर्द होने लगा और ज़्यादातर माताएं बहनें शिकायत करती हैं हड्डी बढ़ गई हमारी, एड़ी की हड्डी बढ़ गई। वो हड्डी वड्डी नहीं बढ़ती है, वो दर्द है, लेकिन हम कहना शुरू कर देते हैं हड्डी बढ़ गई। हड्डी तो 21 साल के बाद बढ़ना बंद हो जाती है, वो नहीं बढ़ती कभी। तो एड़ी का दर्द है, इसकी बहुत अच्छी दवा है, चूना खाओ। चूना जो हम पान में खाते हैं वही चूना दही में या तो मट्ठे में या तो पानी में नहीं तो दाल में मिला के खाओ। चूना इतना सा लो, एक गेहूं के दाने के बराबर, और आधा कप दही या आधा कप दही की लस्सी या दाल या सब्जी नहीं तो पानी में घोल के पी जाओ। ये एड़ी का दर्द ठीक करेगा, कोहनी का दर्द ठीक करेगा, जोड़ों का दर्द ठीक करेगा, रीढ़ की हड्डी के सभी दर्द ठीक करता है ये चूना। स्पॉन्डिलाइटिस आपने सुना, बड़ा खराब दर्द है, उसकी बहुत अच्छी दवा है ये चूना। और माताएं तो इसको याद रखें हमेशा कि जब भी किसी माँ की उम्र 45-50 साल हो जाए और उनका मेंसिस बंद हो, मासिक बंद हो, फिर उनका मेनोपॉज स्टार्ट है, वो टाइम पर चूने से अच्छी कोई दवा नहीं। सभी माताएं इसको हमेशा याद रखते हैं। हमारे सभी माताओं को 45-50 साल की उम्र के बाद शरीर में कैल्शियम घटना शुरू होता है, उस समय एक बीमारी आती है ऑस्टियोपोरोसिस, उससे बचना है तो चूना सबसे अच्छी दवा है। खाएं कैसे? एक गेहूं के दाने के बराबर चूना दही में नहीं तो लस्सी में नहीं तो दाल में नहीं तो सब्जी में नहीं तो पानी में मिला के पी। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।